नमस्कार साथियों, कल वीडियो डाल नहीं पाया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसकी वजह से आज मैं आपको ये वीडियो मैं रिक्वायरमेंट के ऊपर डाल रहा हूँ। साथियों, ये बहुत ही नॉलेजबल वीडियो है और आपको इसको पूरा अच्छी तरह से देखना चाहिए और लास्ट तक देखना चाहिए। देखिए, ज्ञान अगर मिले तो उसको अच्छी तरह से अर्जित करना बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, जो हमारे गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर फाइनल इंस्पेक्शन यानी लास्ट जो इंस्पेक्शन होती है, तो उसमें ज़्यादातर किन किन बातों पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है, इसके विषय में क्या क्या हम चेक करें कि हम एक परफेक्ट इंस्पेक्शन कर सकें, यानी कि कोई शक की गुंजाइश ना हो। तो ऐसे में आइए साथियों, हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिस पे हम ज़्यादा जोर लगाएं, ज़्यादा ध्यान से इंस्पेक्शन करें। तो पहला जो होता है साथियों, गारमेंट का मेजरमेंट यानी फिटिंग यानी बैलेंसिंग, गारमेंट का स्पेक्स प्रॉपर ईमानदारी से चेक करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार किसी को गलत गारमेंट यानी अनफिट गारमेंट भेज देंगे, दोबारा वो कस्टमर कभी भी उस गारमेंट को, उस ब्रांड को लाइक नहीं करेगा। इसलिए अगर हमें लॉन्ग टाइम सर्वाइवल रहना है, लॉन्ग टाइम उनसे अटैचमेंट रखना है, कस्टमर ही ज़रूरी है अन्यथा। आप ध्यान दीजिए, अगर कस्टमर खुश है तभी हमारी बिजनेस बढ़ेगी, तभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और तभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो साथियों, पहला जो चेक करना है वो स्पेक्स और बैलेंसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन। सेकंड जो साथियों है वो स्पेसिफाइंग टॉलरेंस फॉर गारमेंट एंड डायमेंशन। जो हमारा टॉलरेंस है, जो बायर ने टॉलरेंस दिया है, उसके अंतर्गत ही हम स्पेक्स का वेरिफिकेशन करेंगे। स्पेक्स जो है टॉलरेंस के अंदर में आना बेहद जरूरी है। और तीसरा जो नंबर आएगा साथियों, चेक फंक्शन ऑफ कलर बटन जीपर्स एंड अदर एसेसरीज एंड ट्रिम्स। क्या पीपी के अकॉर्डिंग, प्री पी प्रोडक्शन सैंपल के अकॉर्डिंग टू बायर रिक्वायरमेंट हमारा ट्रिम्स, कलर्स एंड एसेसरीज टोटली उससे बराबर क्लियर हो रहा है, बराबर मैच कर रहा है, इसका चेकिंग करना बहुत जरूरी है साथियों। इसको बराबर वेरीफाई करें आप कि क्या पीपी सैंपल, अप्रूव सैंपल से हमारा गारमेंट का एसेसरीज, ट्रिम्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन ये सारा मैच हो रहा है या नहीं। आगे बढ़ते हैं साथियों, वेरीफाई प्रॉपर पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ द गारमेंट, यानी कि प्रॉपर लेबलिंग जो स्टैंडर्ड है, जो प्लेसमेंट है, जो ब्रांड पे जो स्टिच से होना है, लेबलिंग अच्छी है यानी कि अकॉर्डिंग टू पीपी है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है। दूसरा, पैकेजिंग हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है या नहीं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं। तो लेबलिंग एंड पैकेजिंग का भी वेरिफिकेशन करना, क्रॉस चेक करना नितांत जरूरी है साथियों, लॉन्ग टाइम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, फाइबर कंटेंट एंड क्लॉथिंग, यानी कि फाइबर्स। आपको मैंने बहुत पहले बताया साथियों कि जो गारमेंट बनता है वो कई स्टेप में बनता है, यानी पहले हम फाइबर का चुनाव करते हैं, देन आफ्टर फाइबर से हम थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से हम जो है फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक के बाद तब हम गारमेंट बनाते हैं। तो यानी फाइबर का कंटेंट जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है या नहीं, इसका भी टेस्ट करना बेहद जरूरी है। यानी कंट्री ऑफ ओरिजन, कंट्री किस कंट्री में माल बना हुआ है, कंट्री ऑफ ओरिजन उसमें अंकित है या नहीं हमारे वास्केयर में, यानी किस कंट्री से शिपिंग हुई है, कंट्री ऑफ ओरिजन चेक करना बेहद जरूरी है।
आगे बढ़ते हैं साथियों, मैन्युफैक्चरर आइडेंटिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं साथियों कि आरएन नंबर यानी रजिस्टर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूपीसी कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हर एक कंपनी का अलग अलग होता है साथियों, उसकी भी जांच करना बेहद जरूरी है। की और इंस्ट्रक्शन यानी वॉशिंग किस प्रकार करना है साथियों, वॉश किस प्रकार से होगा, कितनी टाइमिंग होगी, क्या रेसिपी होगी, वॉशिंग इंस्ट्रक्शन जो वॉश केयर में अंकित होता है साथियों वो है या नहीं, उसका भी प्रॉपर इंस्पेक्शन करना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पैकेजिंग इंस्पेक्शन ऑफ द गार्मेंट, गार्मेंट की रेशियो क्या है, उसमें स्टीकर कहाँ लगना है, टैगिंग कैसी होनी है, बारकोडिंग कैसी होनी है, वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं, उसकी भी चेकिंग करना फाइनल इंस्पेक्शन में बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, टेस्ट फैब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड यानी टेस्ट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं, इसकी भी जांच करना फाइनल इंस्पेक्शन में बेहद जरूरी है। फैब्रिक जीएसएम चेक, क्या हमारा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जीएसएम प्रॉपर मैच कर रहा है या नहीं, उसको खुद से पर्सनली करना बेहद जरूरी है। यानी स्टिच पर इंच एसपीआई अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं, उसका भी जांच करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, मटेरियल कंपोजिशन चेक, मटेरियल कौन कौन से लगे हैं, उसका क्या कंटेंट है, उसको भी चेक करना बेहद जरूरी है। यानी रिपोर्ट ऑन क्वालिटी डिफेक्ट एंड सेवेरिटी, यानी कि आपका जो गारमेंट का वो आ रहा है साथियों डिफेक्ट, वो टॉलरेंस के अंदर है या नहीं, एक्यूअल के अकॉर्डिंग है या नहीं, इस पे भी विचार करना देखना बेहद जरूरी है। डिफेक्ट क्लासिफिकेशन जोन्स ऑफ गारमेंट, जो हमारी जोन्स बनाए गए हैं साथियों, ए जोन, बी जोन, सी जोन, ये किस जोन में डिफेक्ट मिल रहा है, मेजर है, माइनर है, क्रिटिकल है, इसका भी पूरा क्लासिफिकेशन करना हमारे फाइनल इंस्पेक्शन में बेहद जरूरी है। लास्ट में साथियों, कंक्लूजन यानी कि सब कुछ करने के बाद हम जो निर्णय लेते हैं उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, यानी कि निर्णय, यानी कि एक लास्ट निर्णय जो होता है साथियों, उसको हम अपने दिमाग से अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड से ये देखें कि क्या वाकई ये शिपमेंट जाने लायक है या नहीं, कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, कस्टमर कोई क्लेम तो नहीं देगा, कहीं अनफिट तो नहीं होगा, इस सब चीजों को वेरीफाई करके ही आप शिपमेंट भेजें। थैंक यू साथियों, वेरी गुड नाइट, आपका प्यार मिल रहा है, आप यूं ही इस वीडियो को हमेशा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनको बताएं, समझाएं, यही मेरी इच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथी इस लाइन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, बड़े लेवल पे काम करें, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। थैंक यू, गुड नाइट।